सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय हिंदी की, 10 दिसंबर 2021 की। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी का परिचय प्राप्त किया। अब आज हम उसके आगे के संवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बता रहा है। माँ उससे पुचकार कर कहती है, मतलब पुचकारने का मतलब बच्चों प्यार करके कहती है, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला। यकायक मीन्स अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे? पिता बोले, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो बच्चे यहाँ पर पात्र परिचय है, मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ उनके एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर जी मोहन के मास्टर जी हैं, और इसमें एक वैद्य जी हैं, फिर डॉक्टर आते हैं, फिर एक पड़ोसिन आती है। तो अब देखिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा हुआ है यकायक शब्द का क्या अर्थ है, तो आप लिख देंगे अचानक, ठीक है, यकायक या अचानक को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा हुआ किस प्रकार के भोजन को अनशंट मानते हैं, तो हम लिख देंगे ऐसा भोजन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, अनशंट बोलते हैं। नंबर 3 पर पिता के अनुसार मोहन ने क्या खाया था, तो हम लिख देंगे पिता के अनुसार मोहन ने एक केला और एक संतरा खाया था। अब प्रश्न नंबर 4 में पूछा हुआ आपके अनुसार डॉक्टर को घर पर कब बुलाया जाता है, तो आप लिख देंगे जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है गद्यांश में आए संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए, तो हम लिख देंगे डॉक्टर, मोहन, पिता, बस, केला, संतरा आदि। अब देखिए यहाँ पर एक गतिविधि है बच्चों, इसमें कहा गया है एकांकी संवाद पर आधारित है, मतलब बातचीत पर। संवाद का मतलब होता है जब दो लोग किसी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं। आपके अनुसार ऐसे ऐसे क्या हो सकता है, अनुमान लगाकर बताइए, तो हम लिख देंगे दर्द, परेशानी, बेचैनी आदि, ठीक है, ये सब हो सकता है ऐसे ऐसे जो हम बताते हैं किसी को। तो ये आपकी वर्कशीट थी बच्चे जो कि कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।